एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ईमेल आईडी का पासवर्ड कैसे फॉरगेट करते हैं। जैसे किसी भी आप ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको कैसे ईमेल आईडी को फिर से स्टार्ट करें। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर में आ जाना है। सिंपली प्ले स्टोर में आप लोगों को आ जाना है, फिर यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करना है जो कि ऊपर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ पर खुल के आएगा। आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इसको ओपन होने देंगे। जैसे ही ओपन हो जाएगा, इसके बाद ओपन होने के बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है। जैसे कि अपना ईमेल आईडी डाल देंगे या फ़ोन नंबर जो भी हो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। तो ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर जैसे पासपोर्ट आ गया, तो हम लोगों को तो पासपोर्ट याद नहीं है। यहाँ पर पासपोर्ट डालने के लिए दे रहा है, पासपोर्ट हम लोग को याद नहीं है। तो यहाँ पर फॉरगेट पासपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरगेट पासपोर्ट है। यहाँ से फॉरगेट करेंगे, इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर नंबर जो भी है आपका नंबर, वहाँ का लास्ट दो अंक दिखाई दे रहा होगा। फिर इस पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सर्चिंग लेगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपका कोड जाएगा एक मोबाइल नंबर पर, वो वाला यहाँ पर इंटर करना होगा। फिर यहाँ पर कुछ इस तरह सा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ पर फिर वही वाला पासवर्ड यहाँ पर भी डालना है। फिर यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर सेव पासवर्ड का आइकन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और ईमेल आईडी खुल जाएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।